स्वागत है थोड़ा सारिया का अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे वालों सारिया प्यार भरी सत श्री अकाल। जिमें कि आप सवेर वाली वीडियो के जो सिलेबस है मास्टर केडर का साइंस के मैथ्स के लिए डिस्कस किया। इस वीडियो आप सोशल साइंस इंग्लिश पंजाबी हिंदी सबजैक्ट के जो सिलेबस है वो डिस्कस करा। सब तो पहला मैं गुजारिश करती हूँ कि जिन्होंने चैनल में हले तक सबसक्राइब नहीं किया कृपा करके चैनल सबसक्राइब करो ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि हर किसी को वीडियो पहुँच सके। बैल आइकन नू जरूर प्रेस करो ताकि हर आने वाली अपडेट थोड़े तक समय टू समय सिर पहुँचती रहे। जेकर आप हुण गल करिए सोशल साइंस के सबजैक्ट के सिलेबस की तो वो सब तो पहला आ गया सिविक्स का पोर्शन जिदे गवर्नमेंट्स आ जांदियां सेंट्रल ते स्टेट गवर्नमेंट्स। उहदे च लोक सभा राज सभा प्रेजिडेंट की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होर भी जिन्हें मिनिस्टर्स आ गए कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट आ गई। स्टेट लैवल पर गवर्नर आ गया चीफ मिनिस्टर आ गया। फॉरेन पॉलिसी सिटीजनशिप ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कोर्ट्स हाई कोर्ट जिहड़े इन्हां दे जिहड़े मेन इन्हां दे विच मेन क्वेश्चन आ जांदे भी किहड़े आर्टिकल दे अंडर आ जांदे नेगे ते किहड़े किहड़ियां अमेंडमेंट्स होईयां ने इन्हां दे विच। फिर फंडामेंटल राइट्स आ गए यू एन ओ एक इंपोर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। ये हर साल क्वेश्चन आउंदा ही आउंदा हैगा। इंडियन फैडरल सिस्टम भी इंपोर्टेंट है। इलेक्शन प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल। उस तो बाद चार कंसैप्ट आ गए लॉ लिबर्टी जस्टिस एंड इक्वैलिटी। इस दे बेस पर हर बारी क्वेश्चन आया ही आया है। फिर आ गया पार्टी सिस्टम दैन डेमोक्रेसी एट रूरल एंड अर्बन लैवल। लास्ट तो थ्यूरीज है लिबरलिज्म मार्किसिज्म ते गांधीजम। जिहड़ी थ्यूरीज है इंपोर्टेंट है ते काफ़ी पोर्शन है जिहड़ा कवर कर दियां ने सिलेबस का। इन्हां नूं लाइटली नहीं लैना, इन्हां नूं मतलब पूरे ध्यान नाल पढ़ना ग्रेजुएशन लैवल पर। उस तो बाद आंदा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बिच आ गया अर्थ आ गया एटमोसफेयर लिथोसफेयर हेमोसफेयर आ गया। ये फिजिकल ज्योग्राफी आ गई। दैन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आ गई। इंडिया के विच वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती मतलब अपनी लोकल आ जाती है तो इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है। फिर उस तो बाद रिसोर्सेज एंड इनवायरमेंट आ गए। ये भी ईजी है फिशरीज मिनरल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज इनवायरमेंट ये सारा मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा ग्रेजुएशन लैवल तक कंप्लीट हो जूगा। फिर इकोनॉमिक्स आ गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड नेशनल इनकम एम पी एस ए पी एस एम पी सी ए पी सी बैलेंस आ गया फॉर्म्स ऑफ मार्केट मनी एंड बैंकिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम टाइप्स ऑफ इनकम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इकोनमी इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इंडियन इकोनमी पंजाब इकोनमी। फिर आ गया हिस्ट्री। जिमें मैं थोड़ा दसिया कि साइंस के पांच सबजैक्ट ने उस कोई तुम तीन ऑप्ट करने होंगे। सिमिलरली एस एस टी के टोटल चार ने उस कोई तुम दो चूज करने हो 75-75 मार्क्स के थोड़ा दो सबजैक्ट आने जिन्हों चारा चो कोई दो अटैम्प्ट करने हो वो थोड़ा कॉम्बीनेशन बी एड के बेस पर डिपेंड करता है कि तुम बी एड के टीचिंग ऑफ हिस्टरी पढ़ी है टीचिंग ऑफ पोल साइंस पढ़ी है तो उदा ईजी होंगे अटैम्प्ट करना क्योंकि थोड़ी तैयारी उस अकॉर्डिंग हुई होंगी है। बाकी थोड़ी कमांड कि सबजैक्ट पर है तुम वो भी चूज कर सकते हो। फिर हिस्टरी ऑफ पंजाब आ गया। हिस्टरी ऑफ पंजाब के लिए तुम साडा बुक फॉलो कर सकते होंगे तो पंजाब दर्पण की बुक फॉलो कर सकते हो। ये सारे जिन्या भी हूँ तक नैक्सेशन होब सिख मिसल्स आ गई। सिख मिसल्स इंपोर्टेंट है जिहड़े अपने दसे गुरु आ गए उन्होंने डिवलपमेंट आ गई। सारी पंजाब की फिजिकल हिस्टरी आ गई। सैकेंड पार्ट के हड़प्पा सभ्यता आ जाता है जैनिज़म तो बुद्धिज़म आ जाता है मोरियनजेज आ गए गुप्ता पीरियड आ गया हर्षवर्धन पीरियड आ गया दिल्ली सल्तनत आ गई मुगल अंपायर आ गया बैटल ऑफ पलासी बॉक्सर यदि तो क्वेश्चन हर बारी आता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एजुकेशन अंडर ब्रिटिश रूल द नैशनल मूवमेंट। दैन आ गया वर्ल्ड हिस्टरी। वर्ल्ड हिस्टरी के मेन बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज रेजिनेंस एंड रिफॉर्मेशन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सैकेंड वर्ल्ड वॉर मेन यही नेगे दो। वर्ल्ड हिस्टरी काफ़ी इंपोर्टेंट है तो थोड़ा जहा टफ पोर्शन भी है तो हूँ अपने को टाइम भी है तो इनू भी प्रिपेयर करना शुरू कर दो। उस तो बाद जेकर आपी के सिलेबस की गल करिए पहला कविता भाग आ गया जिसे आधुनिक कवि आ गए जिन्हें भी कवि दिते हुए सारे बारे तुम्हें पढ़ना पेगा। गुरमत काव आ गए जिदे विच चार तीन गुरु ने गए अपने कोल ते भाई गुरदास जी ने गए। सूफी काव किता काव बीर काव वारतक काव। उस तो बाद कहानियां जिदे विच नानक सिंह नवतेज सिंह गुरबख्श सिंह गुरमुख सिंह मुसाफिर कुलवंत सिंह विरक वर्गे मशहूर जिहड़े राइटर आ गए। उस तो बाद एकांगी नावलकार नाटक स्वै जीवनी
साहित्य के भिन्न रूपां की चर्चा, पंजाबी लोक साहित्य के भिन्न रूप, पंजाबी सभ्याचार, ये मोस्टली सारा जो पार्ट है ग्रैजुएशन बी ए के जो इलैक्टिव पंजाबी वो कवर हों गा। पंजाबी व्याकरण, भाषा ज बोली, व्याकरण के बोध, विश्राम चिन्ह, ये प्लस टू की ग्रैमर की बुक तो भी कर सकते हो। प्लस वन प्लस टू की व्याकरण जी व्याकरण है थोड़ी जी सिंपल हैगी, स्कोरिंग भी होंगी हैगी एज कंपेयर टू अपर पार्ट। लिंग वचन, काल, संखेप रचना, पैरा रचना, लेख, कहानी, लिपि, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, इन्ना की सिलेबस है पंजाबी का। उस तो बाद सिमिलरली हिंदी का सिलेबस आ गया आदिकाल व मध्यकाल। हिंदी के साहित्य के इतिहास के बारे में आ गया, इसमें तीनों काल आ जाते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। प्रमुख कवि आ जाते हैं, प्रमुख कहानीकार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख नाटककार। उसके बाद इसमें भी व्याकरण आ जाती है, भाषा, लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, तकनीकी शब्दावली, अंकार, छंद, जे हिंदी का सिलेबस है। उस तो बाद इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश के पहला क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइटर्स आ जाते हैं इंग्लिश के। एलिजाबेथियन एज आ गया, जैकोबियन टू रेस्टोरियन आ गया, अगस्टन एज आ गया, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, कंटेंपरेरी पीरियड, ये सारे तुसी ग्रेजुएशन दे विच कवर किए होंगे। ग्रैमर एंड लिंग्विस्टिक आ जाता है, मेन जिहड़ा तुहाडा इंग्लिश पंजाबी हिंदी हैगा उहदे विच जिहड़ी ग्रैमर पोर्शन आ जाता है वह तुसी प्लस वन प्लस टू के लैवल तो कवर कर सकते हो, तो बाकियों लई तुहानू ग्रैजुएशन दीआं ही बुक्स फॉलो करनिया पैणगीआं। फिलहाल किसी अकैडमी नू फॉलो करन दी बजाए हले अपने कोल टाइम है सैल्फ स्टडी नू इंपोर्टेंस दो। बाकी जे होर सानू कोई भी अपडेशन मिलती है सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर मास्टर केडर 2023 के रिगार्डिंग, असीं तुहानू जरूर अपडेट करांगे। जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। धन्नवाद।